रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका न्यूज बिहार के चैनल भारत लाइव। हमारे साथ हैं ज्योति साचार, धर्मेंद्र पुरोहित जी, धर्मेंद्र तिवारी जी लगातार आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और उन्होंने पहले भी बताया है कि वो कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन, और खास करके उन्होंने लालू प्रसाद के बारे में बताया था कि उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव यदि इनके बताए गए उपाय कर लें तो इससे लालू प्रसाद को राहत मिलेगी और इसके साथ साथ बिहार के राजनीति में भी एक बार फिर से लालू परिवार का वर्चस्व बढ़ सकता है। तो हम जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि आखिर वो कौन से उपाय हैं और क्या लेकर के आए हैं। नमस्कार पंडित जी। न्यूज बिहार भारत लाइव स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैंने बताया था कि लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी के कुछ टोटके कुछ उपाय करने पर उनके पिताजी की जो मुश्किलें हैं वह कुछ आसान हो जाएगी जी। फिर मैं वो टोटका और उपाय लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। सबसे पहली बात है कि सभी व्यक्तियों का नाम होता है और उस नाम में एक मूलांक होता है, उस मूलांक के एक स्वामी होते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम देखा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम पंडित जी को लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने और पंडित जी का कहना यह है कि हर व्यक्ति का एक नंबर होता है। अल्फाबेट के 26 अक्षरों की बात कर रहे हैं पंडित जी और उन 26 अक्षरों से ही किसी का नाम होता है, उसी में छुपा होता है। अब पंडित जी का कहना यह है कि जो ज्योतिष है वो मूलतः अंकों पर आधारित है और ये सारा खेल जो है अंकों का है। अंकों के आधार पर पंडित जी कैसे बता रहे हैं और क्या टोटके हैं हम पंडित से जानते हैं, बताइए पंडित जी। सबसे पहली बात है कि तेज प्रताप यादव जी का जो मूलांक है अल्फाबेटिकल के आधार पर TEJ PRA TAP पूरा जोड़ने पर इनका मूलांक होता है 8 और 8 के स्वामी बोल रहे हैं शनिदेव, और शनिदेव को ग्रहों में उनको दंडाधिकारी कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है। अब यहाँ आपको हम समझा देते हैं कि जैसा कि पंडित जी ने बताया कि अल्फाबेट के 26 अक्षर हैं, उन हर अक्षरों का एक अंक है 1 से लेकर के 26 तक। उन 26 अक्षरों के बीच में तेज प्रताप का जो अंक है वो जोड़ने के बाद 8 आता। आप भी जोड़ सकते हैं और आप जोड़ करके देखिए कि कुल जोड़ जो होता है, कुल योग जो होता है वो अंतिम में 8 आता है। पूरी 9 राशियां हैं और 9 राशियों में 8 अंक जो है वो शनि का है। क्या पंडित जी यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल शनि देव। तो 8 जो है वो शनि का अंक है और इसके बाद पंडित जी आगे की बात बताएंगे। और हमारे सनातन धर्म पंचांग मतानुसार से बहुत सारे पंचांग अभी प्रसारण हो रहे हैं, लेकिन हमारे आर्यवर्त भारत के अभी राजा जो है शनिदेव हैं और शनिदेव को दंडाधिकारी भी कहा गया है। और लालू जी थोड़ी सी गलती या जो भी उन पर ब्लेम लगा है उसके चलते उन्होंने जेल में हैं, तो दंडाधिकारी कभी भी गलत ये निर्णय देने वाले नहीं हैं, जो भी है या स्पष्ट निर्णय देने वाले होते हैं। और इनके स्वामी शनिदेव बन रहे हैं 8 मूलांक के चलते तेज प्रताप यादव जी के। और अगर शनिदेव जब तक रहेंगे अगर कोई भी गलत कार्य होगी तो उसका जो निर्णय सही होगा वही देते हैं, जिसके चलते इनके पिताजी की मुश्किलें बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी। यदि ये अपने नाम में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं तो इनके मूलांक दूसरा हो जाएगा और उसके स्वामी दूसरा होंगे। जैसे कि अब हम आपको समझा रहे हैं, पंडित जी का कहना ये है कि शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं और शनि और सूर्य में दोस्ती नहीं हो पाती, पिता और पुत्र दोनों दो विरोधी ग्रह। अब जब तक तेज प्रताप यादव के मूलांक या उनके इस अल्फाबेटिकल नंबरिकल जो है उसमें अगर परिवर्तन नहीं होता है तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ जा रही। अगर इन मुश्किलों को कम करना है तो उसके लिए
तेज प्रताप यादव को अपने नाम के अक्षरों में परिवर्तन करना होगा। वो क्या होगा पंडित जी, कैसे होगा, आप जरा विस्तार से समझाइए। जैसे तेज प्रताप यादव जी का TEJ है, वहाँ पे TEZ कर दे रहे हैं, केवल जेड हटा, जे की जगह पर जेड कर दे रहे हैं, तो इनका मूलांक हो जा रहा है 6 और 6 मूलांक के स्वामी हो रहे हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव जो है इसमें इनकी बहुत मदद करेंगे और इनके पिताजी की रिहाई की कुछ जो मुश्किलें हैं वो कुछ कम होगी और इनके परिवार का जो समस्याएं बढ़ रही है दिन पर दिन, राजनीति हो या गृह कला हो या इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, तो शुक्र यदि हो जाएंगे तो वो सुख प्रदान करने वाले होते हैं और गलत कार्य पे भी सही निर्णय देने वाले होते हैं। इसलिए अगर ये अपना जे की जगह पर जेड लगा दें तो इनकी मुश्किलें जो है बहुत कम हो जाएगी और इनको सफलता मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज बढ़। और भी कोई उपाय आप बता सकते हैं पंडित जी की, जिससे इसके चलते, तो आपने उपाय बताया कि वो अपने नाम में परिवर्तन कर लेंगे और नाम में परिवर्तन के बाद कुछ स्थितियां अलग हो जाएंगी, जैसे शुक्र और सूर्य दोनों मित्र ग्रह हैं और इनके मिलने से स्थितियां बदल जाएंगी जी। अगर मान लेते हैं कि वो नाम में परिवर्तन कर लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, एक संभावना बनती है कि जिससे बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी और लालू प्रसाद के लिए कोई रास्ता सुगम मिलेगा। लेकिन यदि वो नाम में परिवर्तन नहीं करते हैं और अभी वर्तमान जो उनका नाम है तेज प्रताप TEJ, मतलब इतना ही है कि जे और जेड में अंतर पंडित जी बता रहे हैं उससे बहुत सारा अंतर पड़ जाएगा और नंबर का गेम ज्योतिष जो है वो नंबर पर पूरी तरह से आधारित है। अब इसमें अगर शनि रहता है यानी कि वो नाम परिवर्तन नहीं करते हैं तब की स्थितियां क्या होगी पंडित जी, उनको क्या क्या उपाय करने होंगे? तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोहे की कटोरी में सरसों तेल, काले कपड़ा इत्यादि जो है उनको नियमित जो है 21 दिन तक किसी भी शनिदेव मंदिर में जा कर के दान देना होगा। इस तरह की उपाय वो अगर करें तो उनको इसमें बहुत राहत मिलेगी। लोहे की कटोरी में सरसों तेल दान करना, काले कपड़े, तिल, उड़द, ये सब जो है शनिदेव के लिए सुगम उपाय हैं, उनको ये सब चीजें दान करना उनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। बुधली के बेला इस समय किसी भी शनि मंदिर में जाकर के वो ये दान कर सकते हैं और इससे पंडित जी एक बार हम समझा देते हैं बुधली बेला क्या है। इससे लालू प्रसाद का एक जो बयान है वो भी जुड़ा हुआ है। जब पहली बार मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे तो वो न रात था और न दिन था, बोधुली बेला था। जब रात और दिन के बीच की जो समय होता है, शाम का समय, एक कालखंड होता है, एक समय खंड होता है जिसको बोधुली बेला कहते हैं, वो बोधुली बेला की बात पंडित जी कर रहे हैं। इसको बड़ा आराम से समझने की जरूरत है। पंडित जी ने बताया है कि लोहा के कटोरी में सरसों का तेल रख के किसी शनि मंदिर में दान करें, इसके साथ काले कपड़े में तीन और उड़द को बांध करके और वो बहते पानी में छोड़ दे। इसके बाद और क्या उपाय करना होगा पंडित जी? और गुड़ इत्यादि जो है, गुड़ है जैसे तिल, तिलकुट इत्यादि जो हो गया, वो गरीब लोगों को दान करना, भिक्षुक भिखारियों को देना, और गुड़ तांबे की लोटे में गुड़ और लाल फूल लेकर के शनि देव को जाकर के अर्पित करें तो इससे उनकी समस्याएं जरूर कम। सूर्य भगवान जब जागरण का समय होता है, सुबह लालिमा जब सूर्य भगवान उग रहे हैं उस समय उनका दर्शन करना और उनको जल देना इनके लिए श्रेष्ठ कर, इनकी पक्ष में हर कार्य होगी और इनकी जो समस्याएं हैं वो हल होने की कगार पर जाए। पंडित जी ने दोनों उपाय बताए हैं। एक तो पंडित जी ने ये बताया है कि तेज प्रताप यादव अपने पिता और परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, कारगर हो सकते हैं, परिवार को एक फिर से पुराने दिनों में वापस लाने के लिए। पहला तो अगर वो वर्तमान परिस्थिति में जो उपाय पंडित जी ने शनि के उपाय बताए हैं वो कर लेते हैं, जिसमें लोहा के कटोरे में तेल दान करना शनि मंदिर में, काले कपड़े में उड़द और तिल बांधकर बहते पानी में कई दिन तक छोड़ना, इसके साथ साथ पंडित जी ने ये बताया है कि जब सूर्योदय होता है सुबह के समय में, तो सूर्योदय के समय में एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर के लाल फूल और गुड़
अर्पण करना यानी कि जल देना, जल अर्पण करना, और वो भी पंडित जी ने बताया है कि वो सीधा खड़ा होकर के और उगते सूर्य को प्रणाम करने के बाद जल को अपने सर से ऊपर सीधे हृदय के सामने से छोड़ना, और हृदय के सामने से जमीन पर जैसे ही गिरेगा उसके बाद से उसको प्रणाम करके और 21 दिन तक इस प्रक्रिया को करना होगा। उसके बाद जब उनके पिताजी मिले तो उनको साष्टांग प्रणाम करना, इस परिस्थिति से उनकी समस्याएं जो है वो हल हो सके। पंडित जी साष्टांग दंडवत का, साष्टांग प्रणाम का जरा सब बता दीजिए कि साष्टांग प्रणाम कैसे किया जाता है। तो पूरी जमीन पर लेट करके और दोनों हाथ जो है उसको आगे फैला करके, पैर सीधा करके, पेट के भर से जमीन पर लेटना, इस तरह से अपने पिता के सामने जा करके करने से उनकी समस्याएं जो है वो हल हो सके। तो एक उपाय तो ये हो गया, और दूसरा उपाय पंडित जी ने बहुत ही आसान उपाय बताया है तेज प्रताप यादव के लिए कि वो सिर्फ अपने नाम में जे की जगह जेल कर लेते हैं तो इस सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा पूरी तरह से। ज्योतिष जो है वो अंक गणित है और अंकों का खेल है। आपने पंडित जी से सुना, अगर आप भी पंडित जी से अपने सवाल हैं आपके कुछ तो पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं। पंडित जी अब हमेशा भारत लाइव के माध्यम से आपसे सामने आएंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसके साथ ही आपके लिए बहुत ही सुगम उपाय बताएंगे और कुछ मंत्र भी बताएंगे जो मंत्र आपके लिए कारगर होंगे। तो फिर हम पंडित जी से अगले विषय में मिलते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।